नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। एबीपी गंगा में स्वागत आपका। आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा के मौके पर गंगा में स्नान की परंपरा रही है। स्नान के लिए हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज समेत दूसरे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं। आज गंगा दशहरा पर लोग गंगा में स्नान करते हैं और दान पुण्य के काम भी करते हैं। लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद पूजा पाठ और व्रत रखने की आज परंपरा है और हिंदू पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ महीने की दशमी तिथि को गंगा दशहरा आज मनाया जाता है। तो दरअसल माना यह जाता है, इसके पीछे की जो मान्यता है कि गंगा श्री विष्णु के चरणों में रहती थी। भागीरथी की तपस्या से शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया, फिर शिव जी ने अपनी जटाओं को सात धाराओं में विभाजित कर दिया। ये खूबसूरत तस्वीरें आज की हैं। सुबह से लगातार घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कानपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। गंगा घाट पे लोग पहुंचे, स्नान ध्यान किया, दान पुण्य किया लोगों ने। प्रयागराज की तस्वीर, संगम नगरी है प्रयागराज और यहाँ पर संगम है गंगा यमुना सरस्वती का और यहाँ संगम में लोग डुबकी लगाते नजर आए। मथुरा की तस्वीर, मथुरा में भी लोग पहुंच करके डुबकी लगाते नजर आए। आस्था की ये डुबकी लोग लगा रहे हैं। आगरा से भी बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आईं, जहाँ आगरा में लोगों ने आज आस्था की डुबकी लगाई गंगा दशहरा के मौके पर। वाराणसी से भी बेहद खूबसूरत तस्वीर, जहाँ गंगा नदी किनारे घाट पे लोगों का जमावड़ा, जहां तक नजरें जा रही हैं देखिए सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं। हरिद्वार, हर की पौड़ी में भी आज चहल पहल और रौनक है। दरअसल आज सुबह से ही, भोर से ही गंगा घाटों पर लोगों का तांता लगना शुरू हो गया था। गंगा दशहरा और आज के दिन की खास मान्यता, लोग आज स्नान ध्यान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, दान करके पुण्य कमाने का काम करते हैं और 6 जगह की इस वक्त खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से लगातार घाटों पर तांता लगा हुआ है श्रद्धालुओं का। तो आज गंगा दशहरा हर जगह मनाई जा रही है। गंगा के घाटों पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, ध्यान लगा करके दान पुण्य कर रहे हैं लोग। हरिद्वार में देखिए पानी का बहाव तेज होता है, यहाँ लोग एक दूसरे को पकड़े हुए डुबकी लगाते हैं। कानपुर की एक खूबसूरत तस्वीर है, जहाँ लोग घाटों पर पहुँच करके गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं आस्था की। संगम नगरी प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं, साथ ही कानपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आइए मोइन का रुख करते हैं, उनसे जानते हैं। मोइन, संगम नगरी में आज लोगों का तांता लगा होगा। एक तरफ भीषण गर्मी है, लोग गंगा घाटों पर भी जाने से कतरा रहे हैं क्योंकि गंगा का पानी भी, जो कलकल बहता पानी था, वो गर्म हो चुका है। लेकिन आज गंगा दशहरा के मौके पर जो तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं बेहद खूबसूरत है। जहां तक नजरें जा रही हैं लोग आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। क्या तैयारियां, क्या खास तस्वीरें आप पहुंचाएंगे आप? जी बिल्कुल, अगर प्रयागराज की बात करें तो आज गंगा दशहरा का त्यौहार यहाँ काफी श्रद्धा के साथ, काफी उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम तट पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ हरिहर आरती समिति के तरफ से आरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। इस वक्त भजन चल रहा है, आरती चल रही है और हजारों लोग हाथ में दिए लिए हुए वो गंगा माँ की स्तुति कर रहे हैं, गंगा के भजन गा रहे हैं और जो आज गंगा दशहरा का त्यौहार है उसको श्रद्धा और उल्लास के साथ मना रहे हैं। इस वक्त इसके बाद जो है यहाँ पर पिछले 10 दिनों से गंगा महोत्सव चल रहा था, आज अंतिम दिन जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी कुछ देर पहले अभी यहाँ पर शामिल हुए थे। उन्होंने कई ऐलान भी किया था गंगा को लेकर और प्रयागराज को लेकर के। इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी जब ये आरती का कार्यक्रम खत्म होगा तो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे जो देर रात तक चलेंगे। अब
अपने कैमरा सहयोगी से कहना चाहेंगे कि वो आपको दूर तक बड़ी तस्वीरें दिखाएं, आरती की तस्वीरें दिखाएं, और जो भजन चल रहा है, जो गंगा माँ की स्तुति चल रही है, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, लगातार भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, भक्ति भाव में मगन होकर के माँ गंगा की स्तुति कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं और उनसे ये कामना कर रहे हैं कि माँ गंगा की कृपा हमेशा उनके ऊपर बनी रहे, हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, ताकि वो हमेशा खुश रहें, समृद्ध रहें, खुशहाल रहें। आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सबके सब जो है वो आज गंगा दशहरा के वक्त भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। सुबह से ही संगम तट पर हुजूम जुटा हुआ है लोगों का। बिल्कुल मोइन, मैं चाहूंगी जरा आरती आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, जरा आरती की वो धुन हमारे दर्शकों को सुनाएं, वो सुरीली आवाज आरती की, गंगा आरती हो रही है वहां पर, मैं चाहूंगी जरा ये दिखाइए और सुनाइए आरती की तस्वीरें। जी बिल्कुल, हम अपने कैमरा सहयोगी रोहित से कहना चाहेंगे कि वो ट्राइपॉड थोड़ा ऊपर करके बड़ी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें, और आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर हरिहर आरती समिति का कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। बिल्कुल मोइन, आपसे और भी डिटेल्स लूंगी, लेकिन एक गुजारिश जरा हमारे दर्शकों को इस आरती का आनंद उठाने दीजिए, फिर आगे मैं बातचीत जारी रखूंगी। तस्वीरें दिखाइए और आरती का आनंद। जी बिल्कुल, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर लोग गंगा की भक्ति में डूबे हुए हैं, माँ गंगा की आराधना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, और ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं सिर्फ एबीपी गंगा पर। इस वक्त आरती खत्म हुई है और हजारों की संख्या में जो लोग हैं, जो गंगा भक्त हैं, वो भजन गा रहे हैं, माँ गंगा की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और जो आरती है उसका उन्होंने जो है वो प्रसाद ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, माँ गंगा की स्तुति कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, तमाम लोग हैं। बोलो पावन ठीक 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 राम जी के संग शंकर जी का प्यारा तुम्हारा बजरंगी नाम तुम्हारा है, बजरंगी नाम तुम्हारा है, बजरंगी नाम तुम्हारा है, बजरंगी नाम तुम्हारा है। सुग्रीव बानरों का राजा करता था पर्वत पर वासा, सुग्रीव बानरों का राजा करता था पर्वत पर Oh,
प्रभु आपने कबर लगाई थी। बेहद खूबसूरत तस्वीरें हमारे सहयोगी मोइन आप तक पहुंचा रहे हैं प्रयागराज में, जहां पर आरती अभी भी जारी है। अजीत राठी हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं हरिद्वार से, हरिद्वार हर की पौड़ी। अजीत, आज कैसी चहल पहल, क्या तैयारियां खास की गई हैं? देखिए, आज सुबह से जो आंकड़ा है श्रद्धालुओं का 20 लाख पार हो चुका है। 20 लाख से ज़्यादा लोग गंगा में डुबकी लगा चुके हैं और यहाँ बहुत ही मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ हर की पौड़ी पर कितना पवित्र और मंत्रोच्चारण की कितनी पवित्र ध्वनि सबको सुनाई दे रही है। और हमारे साथ गंगा महासभा के प्रमुख पंडित उज्ज्वल पंडित जी भी हैं। देखिए, वो बताएंगे हमारे दर्शकों को कि आज के पर्व का क्या महत्व है और क्यों ये मनाया जाता है। पंडित जी, क्या आज को लेकर क्या आप तैयारी की? देखिए, आज का सबसे पवित्र दिन, इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जाह्नवी जलम। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो भी है, यही जाह्नवी रूप जल के रूप में यही एक ब्रह्म स्वरूप है, उसी की आस्था। जब राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा शिव की जटाओं से निकलती हुई, आगे आगे राजा भगीरथ का रथ और पीछे माँ गंगा आ रही थी, आज का वो पवित्र दिन ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का ये पवित्र दिन जहाँ माँ गंगा पृथ्वी पर उनका आगमन हुआ और करोड़ों लोगों के, राजा सगर के 60,000 पुत्रों सहित करोड़ों आस्था वनों को ताड़ने के लिए जिस ओर से माँ गंगा निकली, आज उन्हीं तटों पर गंगा के मेले लगते हैं। गंगा दशहरा का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, आस्था के साथ, माँ गंगा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ मनाया जाता है। विश्व में बसे हुए करोड़ों श्रद्धालु गंगा तटों पर आते हैं, विशेषतः हरिद्वार के अंदर अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती सप्त तीर्थ मोक्षता, जिन 7 तीर्थों में मोक्ष की कामना के लिए यहाँ पुण्य किए जाते हैं, वो मायापुरी यहाँ हरिद्वार है। बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें जानकारी दी, बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा कि जो मंत्रोच्चारण की जो पवित्र ध्वनि हमारे दर्शकों के कानों तक गूंजनी चाहिए, जरा क्रिस्टोफर आप इनको दिखाइए विजुअल के माध्यम से हमारे टीवी स्क्रीन पर कि यहाँ क्या चल रहा है, कितना पवित्र स्थान है, गंगा की निर्मलता, कोमलता, शीतलता, अविरलता यहाँ सब है। आप सुनिए इस ध्वनि को और गंगे मैया की जयकार, यहाँ पूरी हर की पैड़ी गूंज रही है। आप ये देख सकते हैं पूरा नज़ारा, सामने गंगा आरती के लिए अलग अलग मंच लगे हैं, एक वीआईपी मंच है इधर शीशे वाला और सामने गंगा मैया का मंदिर है, देखिए। और ये पूरा नज़ारा देखिए, सब कितने अनुशासित तरीके से लोग यहाँ, सब श्रद्धालु कितने बहुत ही डिसिप्लिन में बैठे हैं, इतनी भीड़ है यहाँ लेकिन किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था यहाँ नहीं है। ये वाकई धर्म और आस्था का एक अनूठा संगम है। और आप ये नज़ारा हमारे दर्शकों को दिखाइए कि यहाँ देखिए कि धर्म का कितना बड़ा प्रतीक होता है मनुष्य के जीवन का। और गंगा के तट पर पतित पावनी, गंगा के तट पर जो जीवन दायनी है, जो मोक्ष दायनी है, और उसके तट पर आप कितना बेहतरीन, कितना खूबसूरत धर्म का नज़ारा है। जी बिल्कुल अजीत, और देख पा रहे हैं हम लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए, जहाँ तक नजरें जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और गंगा आरती शुरू होने वाली है, उसकी खास तैयारियां चल रही हैं, उसके पहले जो मंत्रोच्चारण है वो किया जा रहा है। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ, जैसे आरती शुरू होगी दर्शकों को हमारी सीधी आरती का आप तक आएंगे हम वापस आरती सुनने के लिए। और कानपुर का रुख कर लेते हैं, जहां कानपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं प्रभात। प्रभात, कानपुर में घाटों पे कैसी रौनक है, क्या खास तैयारी, क्या वहां गंगा आरती हो चुकी है या अभी तैयारी चल रही है?
जी बिल्कुल, अगर कानपुर की बात बताएं तो कानपुर में भी पूरे उत्साह के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ पर भी घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं के तांता लगा हुआ था। सुबह से ही श्रद्धालु भारी मात्रा में घरों से निकलकर आस्था की डुबकी लगा रहे थे। हालांकि थोड़ी सी समस्याएं जरूर हुई, क्योंकि जो गंगा थी वो तटों से दूर हुई थी। तो वहीं जब शाम हुई है तो अब गंगा आरती का आयोजन यहाँ पर हुआ है। और आप तो को तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि जो तस्वीरें हैं वो आप साफ देखेंगे कि जो गंगा आरती की पूजन है वो शुरू हो चुका है, मंत्रोच्चारण हो रहा है। पहले सबसे पहले यहाँ पर गंगा जी का पूजा की जाएगी, उसके बाद यहाँ पर पांच जो सामने तस्वीरों में दिख रहे हैं स्टैंड, यहाँ पर दिव्य आरती का आयोजन किया गया, भव्य आरती का आयोजन किया गया है। यहाँ पर भक्तों की भीड़ भी आप देख सकते हैं। यहाँ की जो छटा है वो वाकई एक अलौकिक छटा है जो देखने ही लायक बनती है, क्योंकि आस्था का जो सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। तो सामने गंगा जी साथ देख सकते हैं कि गंगा जी में भी लोग दीपदान कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो आरती के संयोजक हैं, आयोजक हैं, उनसे बात करते हैं क्या कार्यक्रम है और कितनी देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा जो हम अपने दर्शकों को दिखा सकेंगे। आज के दिन क्योंकि शुक्ल पक्ष की दशमी को, आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ के जटाओं से निकल करके गंगा जी का प्रादुर्भाव अवतरण इस संसार में हुआ था, धरती पर हुआ था। राजा सागर के 60,000 पुत्रों को उतारने के लिए, उसके साथ साथ उन लाखों करोड़ लोगों को जीवन दान देने, उनके पाप को हरने के लिए, क्योंकि गंगा दशहरा इसीलिए मनाया जाता है कि 10 तरह के पापों का नाश गंगा जी करती हैं माँ भगवती। और बाकी शक्तियाँ तो अदृश्य रूप में, लेकिन गंगा जी साक्षात दृश्य रूप में इस संसार में विद्यमान है और उनकी साक्षात कृपा हम लोग मिलती है। तो आज के दिन इसीलिए मनाया जाता कि हमारे आपके कहीं ना कहीं जाने जाने तमाम पाप हो जाते हैं, उन पापों को हरण करने के लिए, उन पापों से मुक्ति के लिए इस तरह के इस कार्यक्रम को किया जाता है, जिसमें देखिए आप तमाम तरह के आयोजन, रंगोली प्रतियोगिता और आप देखिए संगीत का रंगारंग कार्यक्रम, और इसके साथ साथ पाँच ब्राह्मणों द्वारा ये अभी महाआरती का आयोजन होगा, कार्यक्रम शुरू होगा, प्रारंभ होगा पूजन। बिल्कुल, सबसे अहम चीज़ है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो पांच ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर आरती का आयोजन होगा, उसके साथ ही साथ यहाँ पर रंगोली बनाई गई है। जैसे ही यहाँ पर आरती खत्म होगी उसके बाद यहाँ पर जो रंगोली है वो बनाई गई है, जिसमें हजारों दीपों का दीप जलाए जाएंगे एक साथ। यहाँ पर जो पूरा घाट है वो जगमगा उठेगा, क्योंकि आज के दिन ही भागीरथ की तपस्या से खुश होकर गंगा जो है वो धरती पे अवतरित हुई थी। वहीं पर अगर वर्तमान समय में जो हिंदू मान्यता के अनुसार देखा जाए तो आज के दिन दीप दान करना और गंगा स्नान करना 10 तरह के जो पाप हैं उनको धोने का काम करती है और आपको मोक्ष भी प्राप्त करती है। वहीं अगर धरती पे भगवानों की बात की जाए तो प्रत्यक्ष रूप से भी गंगा माँ और सूर्य देवता को प्रत्यक्ष रूप में प्रमाणित भी किया जाता है। तो साफ है कि गंगा के किनारे जो घाट है वहाँ पर सुबह से ही लोग पहले डुबकी लगा रहे थे, अब लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि गंगा की निर्मल धारा में लोग आरती करने के बाद अपना दीप जो है उसको प्रवाह कर रहे हैं और एक विहंगम सा दृश्य देखने को मिल रहा है, एक अच्छा सा यहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहा है। और जो जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनकी कानों में जो ये भजन की धुन जा रही है वो भी लोगों को कहीं ना कहीं एकाग्रित कर रही है, लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही है, आनंदित कर रही है। तो साफ है कि जिस तरह से यहाँ पर कुछ ही समय में तैयारियाँ जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं, कुछ ही देर में यहाँ पर जो आरती है वो शुरू हो जाएगी, उसका लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। साफ है कि लोगों में गंगा आरती को लेकर श्रद्धा जो है वो काफी बिल्कुल बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं ये गंगा और इस आरती बिल्कुल बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। यहाँ गंगा दशहरा मनाया जा रहा है, प्रयागराज, हरिद्वार, कानपुर, तीनों सहयोगी हमारे साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि एक छोटे से ब्रेक लें यहाँ पे मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन हरिद्वार, कानपुर और प्रयागराज की सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गंगा घाटों की तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी वहाँ पे बने हुए हैं, कहीं आरती हो चुकी है, कहीं होने वाली है, तो महाआरती की महा कवरेज हम जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका हमारे इस खास पेशकश में। आज गंगा दशहरा और गंगा दशहरा किस तरीके से सुबह में मनाई जा रही है, क्या नज़ारे हैं गंगा घाट की, ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, कानपुर से हमारे साथ प्रभात अवस्थी हमारे सहयोगी जुड़े हैं और अजीत राठी हर की पौड़ी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके पहले मोहम्मद मोइन भी थे जिन्होंने प्रयागराज के घाटों पर कैसी तैयारियाँ हैं ये आपको दिखाई हैं, क्या कुछ वहाँ चल रहा था। आरती हालांकि वहां पे संपन्न हो चुकी है लेकिन हजारों हजार की संख्या में अभी भी लोग वहां पर एकत्रित हैं और गंगा आरती में
घाटों के लिए लोग रुक कर रहे हैं भाग लेने के लिए। बेहद खूबसूरत तस्वीरें आज सामने आ रही हैं। आस्था का प्रतीक है ये और आस्था की डुबकी लोग आज लगातार सुबह से लगा रहे हैं। आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है और इस पर्व पे दान पुण्य किया जाता है, वो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज से एक बार फिर हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं। मोइन, क्या कुछ वहां प्रयागराज में इस वक्त चल रहा है? हालांकि आरती संपन्न हो चुकी है, दाएं बाएं दोनों तरफ सीढ़ी बनी हुई है, महिलाएं इस साइड से। जी बिल्कुल, खत्म हो चुकी है, भजन का कार्यक्रम चल रहा है अभी पर। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम खड़े हैं संगम के, संगम घाट पर, जहां पर राम घाट है संगम का, और यहां पर हरिहर आरती समिति की तरफ से कार्यक्रम चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर मौजूद हैं। आरती खत्म हो गया है, लेकिन आरती के बाद जो है अभी भजन का कार्यक्रम शुरू होगा, दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे, माँ गंगा की स्तुति की जाएगी, उनकी आराधना विशेष तौर पर की जाएगी गीतों के जरिए, भजन के जरिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए। इस वजह से लोग अभी भी रुके हुए हैं, हालांकि कुछ लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो गंगा भक्त हैं, वो अभी यहां पर डटे हुए हैं। और ये अभी नहीं, ये देर रात तक यहां पर रुके रहेंगे और लगातार माँ गंगा की आराधना करेंगे, उनसे ये कामना करेंगे कि गंगा दशहरा के मौके पर उनका आशीर्वाद अपने भक्तों पर मिलती रहे, माँ गंगा की कृपा बरसती रहे। इसी आशय के साथ, इसी उद्देश्य और इसी कामना के साथ तमाम गंगा भक्त अभी यहां पर डटे हुए हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जो इन्होंने सुबह ही जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही जो है वो माँ गंगा की आराधना की थी, गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगाई थी, और आज तो लाखों की संख्या में गंगा भक्तों ने संगम पर, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाई थी, दान पुण्य किया था, पूजा अर्चना की थी। और इस वक्त जो राम घाट है वहां पर हरिहर आरती समिति की तरफ से कार्यक्रम चल रहा था, अभी अभी आरती खत्म हुई है, अब भजन का कार्यक्रम चल रहा है और दूसरे अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं। थोड़ी देर पे यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर शुरू होगा और तभी जो है वो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है खत्म होंगे, जो कि जिसका आयोजन देर रात तक चलता रहेगा। बिल्कुल मोइन, देखा जा सकता है कितने लोग खुश हैं, उत्साहित हैं, और गंगा दशहरा के मौके पर लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भीड़ बहुत ज्यादा देखी जा रही है, महिलाएं और बच्चे खास करके ज्यादा इसमें शामिल हैं। अब सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन के लिए बहुत कड़ी चुनौती होगी यहाँ पर इसको संभाल पाना। क्या कुछ इंतजाम किए गए, कितने किलोमीटर का दायरा या फिर कौन से वो रास्ते हैं जिन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है? ये कहने पर भी आप सभी से पुनः बार बार अनुरोध, आप पूजन कर। जी बिल्कुल, चूंकि ये एक घाट की हमने तस्वीर दिखाई है, संगम पर कई घाट हैं और ज्यादातर घाटों पर इसी तरह के आयोजन चलते रहते हैं, और उसकी वजह से जो है प्रशासन को आज खास इंतजाम करने पड़े हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों की संख्या में गंगा भक्त गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगा रहे थे, और इस वजह से तमाम रास्तों को बंद करना पड़ा, ट्रैफिक का डायवर्जन को रोकना पड़ा, और इस वक्त भी खास इंतजाम किए गए, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक के विशेष इंतजाम किए गए हैं, और इस बात के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं, चूंकि गंगा का रेतीला इलाका है और यहाँ से जो महिलाएं वापस जाएं, जो श्रद्धालु वापस जाएं, यहाँ से आयोजन खत्म होने के बाद वो सुरक्षित अपने घरों से वापस जाएं, इसलिए सुरक्षा के भी बेहद खास और पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बिल्कुल, देखा जा सकता है कितनी खूबसूरत तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को लगातार पहुंचा रहे हैं। आरती की भी वो धुन आपने सुनाई, सीधी तस्वीरें दिखाई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मोइन आपका, और हरिद्वार से अजीत राठी, कानपुर से हमारे साथ प्रभात अवस्थी हमारे सहयोगी लगातार बने हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मोइन आपका ताजा तस्वीरें और ये आरती हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आज जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, अब रुक कर लेते हैं कानपुर का। कानपुर से हमारे सहयोगी प्रभात अवस्थी बने हुए हैं, क्योंकि कानपुर में आपसे कुछ देर पहले आरती की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी और आरती किसी भी पल शुरू होती होगी, उनका रुख करते हैं, उनसे जानते हैं। प्रभात, कैसी चहल पहल वहां, क्या आरती शुरू हुई? जी बिल्कुल, जो आरती करने के लिए जो ब्राह्मण हैं वो अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं, और हम अपने कैमरा पर्सन अंकित से चाहेंगे कि वो दिखाएं कि जो लोग हैं वो अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं, और अब से कुछ ही क्षणों में यहाँ पर जो दिव्य आरती है, भव्य आरती है गंगा की, माँ गंगा की आरती वो शुरू हो जाएगी। जो श्रद्धालु हैं वो मौके पर, आप खुद देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कानपुर के नवनिर्वाचित सांसद जो सामने तस्वीरों में दिख रहा है सत्यदेव पचौरी, वो भी मौके पर चुके हैं, और बस आरती सुनने, आरती को सुनने, आरती में शामिल होने के लिए जो आसपास कानपुर के लोग हैं वो भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आस्था का आज पर्व है, सुबह स्नान से शुरू हुआ था और आज शाम को आरती से समाप्त होगा और भजन शुरू हो गया है। आप
कैमरा पर्सन जो है वो आगे तस्वीरें दिखा रहे हैं। भजन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और कुछ ही क्षणों बाद जो यहाँ पर गंगा आरती है, भव्य गंगा आरती का यहाँ पर आयोजन किया गया है। प्रभात, आपसे गुजारिश की जरा आप शांत हो जाइए और भजन की जो आवाज है वो हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए। ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों को पहुंचाते रहिए, लेकिन हर की पौड़ी हरिद्वार से हमारे सहयोगी अजीत राठी भी बने हुए हैं। वहां भी चहल पहल ज्यादा तेज हो गई है। अभी से कुछ देर पहले यहां गंगा आरती की तैयारी चल रही थी। अजीत, क्या कुछ वहां पे इस वक्त चल रहा है? हाँ प्रिया, देखिए गंगा माँ की आरती शुरू हो गई है और मैं अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर से कहूंगा कि वो आरती का जो लुत्फ है वो दर्शकों के सामने रखे आपने अपने टीवी के माध्यम से। ये आप देखिए, गंगा की धुन सुनिए, गंगा आरती की धुन सुनिए। जी
वंदे मैया की जय। घंटाघर मालवीय द्वीप आरती स्थान और जहाँ पर भी अधिक भीड़ है यात्री भीड़ में सावधानी करते हैं। भीड़ में अक्सर जेब कतरे उठाई गिर घुमा करते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यात्री आरती स्थान पर भोग प्रसाद लें और आगे चलते रहें। एक ही स्थान पर खड़े न रहें। जूता स्थानों पर जूता लेते रहते समय अपने विशेष ध्यान रखें। स्थानों पर भीड़ न करें। ज्यादा भीड़ में जूता स्थानों पर जेब कटने की संभावना रहती है। जूता स्थान से परिवार का एक ही सदस्य जूता चप्पल ले रखे, बाकी सदस्य अपने जूते चप्पल जूता स्टॉल से अलग करते हैं। व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग दें। किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिया गया प्रसाद या खाने पीने की कोई भी वस्तु न ले। यह सूचना श्री गंगा सभा के द्वारा प्रसारित की जा रही है। धन्यवाद। तो ये तस्वीर हम लगातार 5 तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कानपुर से आ रही हैं, हरिद्वार से आ रही हैं। ये सारी तस्वीरें जो फिलहाल इस वक्त आप 5 तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग कैमरे के जरिए, कैमरा 1 पे हरिद्वार के गंगा घाट की ये तस्वीर जहां पर गंगा आरती चल रही है, दूसरी तस्वीर हरिद्वार की है, तीसरी चौथी और ये पांचवी तस्वीर, अलग अलग तस्वीर आपको हरिद्वार की हम अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। महाआरती महा कवरेज लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा दशहरा आज और गंगा दशहरे के पावन मौके पर श्रद्धा की लोग डुबकी लगा रहे हैं। सुबह से लगातार गंगा घाटों का लोग रुक कर रहे हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हरिद्वार की ये तस्वीर है जहां गंगा आरती में लोग भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। गंगा आरती भी यहां पर शुरू हो चुकी है और बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं ये। आज हरिद्वार से मां गंगा की ये आरती की तस्वीर सीधी हम आपको पहुंचा रहे हैं। हर की पौड़ी सी ये तस्वीर है। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर इस खास मौके पर लोग एकत्रित हुए हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं, गंगा घाटों का रुख कर रहे हैं। दरअसल सुबह सवेरे से भोर से ही लोगों का तांता लग गया था। गंगा स्नान आज एक अलग महत्व है। गंगा दशहरा है आज और हर की पौड़ी सी ऐसी थी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर में आपको बनारस की भी तस्वीर दिखाएंगे। वाराणसी की घाटों पर कैसी चहल पहल है, क्या खास व्यवस्था की गई है गंगा घाटों पर, और संगम नगरी की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। साथ ही कानपुर से भी हमने आपको तस्वीर दिखाई गंगा पर कैसी तैयारियां चल रही हैं। एबीपी गंगा पर लगातार महा कवरेज, ऐसी ही तस्वीरें वाराणसी से आ रही हैं। इस वक्त आप देखिए यहाँ वाराणसी में गंगा घाट किनारे बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है वाराणसी को। आज गंगा दशहरा के मौके पर आरती यहां शुरू हो चुकी है। Bye.
तो आज गंगा दशहरा इसका बेहद ख़ास महत्व है। कहा यह जाता है कि गंगा श्री विष्णु के चरणों में रहती थी। भागीरथी की तपस्या से शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी जटा में धारण किया और फिर शिव जी ने अपनी जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया और ये धाराएं भिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई इस धर्म में और हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी मानी गई हैं गंगा। इन्हें कहीं पार्वती की बहन भी कहा जाता है, इन्हें शिव की अर्धांगिनी भी कहा जाता है और अभी भी शिव की जटा में इनका वास है, विराजमान है। गंगा दशहरा इसकी खूबसूरत तस्वीर हरिद्वार कानपुर वाराणसी से सीधी तस्वीर महाआरती महाकवरेज लगातार एबीपी गंगा पे आप देख रहे हैं। तो हरिद्वार से ये तस्वीर सबसे पहली आपके सामने, दूसरी कानपुर से, तीसरी वाराणसी से गंगा घाटों की ये सीधी तस्वीर जहाँ पे गंगा आरती शुरू हो भी चुकी है और वाराणसी में अभी पूजा पाठ आगे बढ़ाई जा रही है। तो एबीपी गंगा पे महा आरती की ये महा कवरेज आप देख रहे हैं। हरिद्वार से, कानपुर से, वाराणसी से तस्वीर हम आपको लगातार गंगा घाटों की दिखा रहे हैं और प्रयागराज में संगम नगरी में संगम तट पे श्रद्धालुओं की भीड़ भी हमने आपको दिखाई। वहां भी लोग गंगा आरती में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। क्या नज़ारा था वहां का। इस वक्त आप हरिद्वार से ये तस्वीरें देख रही हैं जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है और जहाँ तक आप देख पा रहे हैं सिर्फ भीड़ ही नज़र आ रही है। और देखिए हरिद्वार में यहाँ गंगा आरती अब शुरू हो चुकी है। इससे पहले भजन होता है, मंत्रोच्चारण के साथ आरती की शुरुआत। Thank you.
महा कवरेज गंगा दशहरा की लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार से, कानपुर से, वाराणसी से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी हर जगह तैनात, और सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं हरिद्वार की, जहां गंगा घाट की तस्वीर, हर की पौड़ी की ये तस्वीर देखिए, कानपुर में भी गंगा आरती शुरू हो चुकी है, वाराणसी से तस्वीर गंगा आरती की। जहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ साफ देखी जा सकती है, इनकी श्रद्धा गंगा दशहरा पर 75 साल बाद 10 दिव्य युग का आज सहयोग बन रहा है, और इसलिए ये गंगा दशहरा बेहद खास भी हो जाती है, क्योंकि कई वर्षों बाद ये दिव्य संयोग आज बना है। 10 योग में ज्येष्ठ योग, व्यतिपात योग, तमाम योग आज बने हैं, इस वजह से ये गंगा दशहरा बेहद खास हो जाता है, और लोग यहाँ पहुँच रहे हैं सुबह से, भोर से ही लोग गंगा में डुबकी लगा करके पवित्र स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ करके ध्यान कर रहे हैं, दान करके पुण्य का काम कर रहे हैं लोग, पुण्य कमा रहे हैं लोग, जिसकी जितनी श्रद्धा उस श्रद्धा अनुसार दान पुण्य भी आज किया जा रहा है। 75 साल बाद 10 दिव्य योग आज एक साथ है, इसलिए ये गंगा दशहरा बेहद खास हो जाती है। माता गंगा का पूजन संपन्न हुआ, अब कुछ ही क्षणों में माता गंगा की दिव्य आरती प्रारंभ होगी। आप सभी एक बार पूरा हाथ उठा के, वाराणसी के घाटों पर जो पूजन है वो संपन्न हो चुका है, एक परंपरा है, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मरेवीपी गंगा पर महाआरती की सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, वाराणसी के गंगा घाट की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी तीनों तस्वीर हमने आपको दिखाई, और प्रयागराज संगम नगरी में संगम तट पे कैसे सैलाब उमड़ा है, क्या तैयारियां थी, सीधे गंगा आरती वहां चूंकि संपन्न हो चुकी है, जब गंगा आरती वहां भी हो रही थी उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, बेहद खूबसूरत और खास तस्वीरें आप सिर्फ एबीपी गंगा पर इस वक्त देख पा रहे हैं। गंगा दशहरा पर गंगा आरती की ये तस्वीर, महाकवरेज एबीपी गंगा पर। 75 साल बाद दरअसल ये संयोग बना है, जहां 10 दिव्य योग का संयोग है, और इस वजह से ये गंगा दशहरा बेहद खास हो जाता है। लोग यहाँ पहुँच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, गंगा नदी में, गंगा तट पे लोग अब आरती में हिस्सा ले रहे हैं। आज पूरे दिन ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं जहाँ लोग गंगा में डुबकी लगाते नजर आए। गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा गया है, इनकी उत्पत्ति शिव के जटा में है, इन्हें शिव की अर्धांगिनी के रूप में देखा जाता है, माना जाता है, और शिव की जटा में आज भी इनका वास है। गंगा दशहरा पर 75 साल बाद 10 दिव्य योग का संयोग बना है, और इसलिए ये गंगा दशहरा बेहद खास बन जाता है। 10 योग में ज्येष्ठ योग, व्यतिपात योग, गर्करण योग, आनंद योग, कन्या राशि के चंद्रमा व वृषभ राशि के सूर्य की दशा में महायोग ये बना है 75 साल बाद। 75 साल बाद ऐसे योग के बने हैं, जिस वजह से ये गंगा दशहरा बेहद खास। सीधी तस्वीर वाराणसी घाट की, और इस वक्त आप देख रहे हैं हरिद्वार की ये तस्वीर है, हर की पौड़ी की।
तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 75 साल बाद 10 दिव्यों के योग से आज ये संयोग बना, जिस वजह से ये गंगा दशहरा बेहद खास। और इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।